थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप सब तैयार हैं आराधना में बैठने के लिए और आशीष देने के लिए? जोर से बोले हालेलुया। सबसे पहले आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत सारी 15 अगस्त की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये खुशियां हम हर साल हर बार मनाते हैं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बर्तनों की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, प्लीज अगर आप थोड़ा सा शांत हो जाए या बैठ जाए पहले आके, वो बात में नहीं हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, वो बंद करो, दरवाजा बंद कर ले भाई। चलो इधर, चलो पीछे जाओ। अरे रहने दो, आइए हम आराधना को शुरू करें। आप तालियां भी बजा सकते हैं आराधना में, जैसे आराधना शुरू होती है। अगर आपको आता है गीत तो आप गा भी सकते हैं धन्यवाद के साथ, थैंक यू जीसस। जिस जिसको आता है वो अपनी आवाज को बुलंद करें और हमारे साथ में गाएं, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Do
प्रभु आज के रात में स्तुति को हम आपके हाथ में देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप यहाँ पर विराजमान हैं। प्रभु एक जन को आप स्पर्श कर लीजिए, छू लीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके। प्रभु उपस्थित यहाँ पर हमारे जितने भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, परमेश्वर पिता जितने लोग भी हैं प्रभु, हर एक को मैं आपके हाथ में देती हूँ। चाहती प्रभु जी हर एक को आप स्पर्श करना प्रभु, हर एक के ऊपर आपके आशीष भर हाथ आ जाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, आज की आराधना को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। हमारी मर्जी से नहीं वरन आपकी मर्जी से चलने पाए हम धन्यवाद करते हैं। तारीफ करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, इसे सुन और दया से कबूल। जोर से बोलेंगे आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, हम इस बात से सहमत हैं। मैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शक्ति दिलाए यीशु, मुक्ति दिलाए यीशु। आता है आप सबको? वाह वंडरफुल। Oh my.
चूमू मैं तेरे कदम, देखू मैं चेहरा तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस गीत का मतलब है चूमू मैं तेरे कदम, देखू मैं चेहरा तेरा, यानी परमेश्वर के अगर आपने कदम चूम लिए और उसके चेहरे को देख लिया तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है बस एक तू और एक मैं, बाकी जमाने को टाटा। हालेलुया। जब फिर परमेश्वर तक जाता है तो दुनिया को टाटा कर दीजिए, दुनिया की गंदी बातों को, बुरे बुरे पापों को टाटा करिए और प्रभु में एक अच्छा स्वच्छ पवित्र जीवन बिताइए। आमेन। हालेलुया। चाहिए, वो हिले पाप चाहिए, वो तेरे रोका पैसा हमें।
अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुवत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी बड़े बुजुर्ग जो नहीं देख सकते हैं। आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक समय मेरे साथ भी ऐसा था, मैं नहीं देख सकती थी। डॉक्टर ने कहा था मैं कहीं भी चली जाऊँ, दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, मेरी आंखें ठीक नहीं हो सकती हैं। हाथ खड़े कर दिए थे, मेरे पापा इंडियन नेवी में थे, फौजी थे, और मेरे पापा ने डॉक्टर अंकल से कहा कि मैं मेरी बेबी को आंखें देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सर कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरी नस यहाँ की चिपकी हुई है और वो फंक्शन नहीं करती है। हम बहुत सी जगह गए, पूरे बॉम्बे में, हम कोलाबा में रहते थे, हम हाजी अहली हाजी मलंग बम्बा देवी सिद्धि विनायक हर जगह गए, पर कहीं से कुछ नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ, और हम निराश हो गए। उस समय मैं 9th में पढ़ती थी, मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, उस समय कुछ नहीं हो सका था। लेकिन किसी ने मुझे बताया यीशु मसीह के बारे में, मेरे मम्मी के अंकल थे, वो भी नेवी में थे, और वो मुझे एक दिन ज़बरदस्ती प्रेयर में ले गए, और जब मैं प्रेयर में गई और मेरे लिए प्रेयर हुई, मैं नीचे गिरी, इट मीन्स भाई साहब ने मुझे छुआ, जो डॉक्टर कहते थे मैं देख नहीं सकती, 15 दिन के अंदर मेरी आईसाइट वापस आ गई। आज मेरे छोटे भाई बहन जो मुझसे छोटे हैं वो चश्मा लगाते हैं, मैं अभी भी सुई में, कभी कभी शुगर हाई होने की वजह से मेरी रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, लेकिन अभी भी मैं देख सकती हूँ, और ये उस प्रभु यीशु के अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी गवाही को लेकर आज मुझे 28 साल 29 साल हो रहे हैं मैं सेवा कर रही हूँ। मेरी शादी भी एक पादरी से हुई, आज हम दोनों पादरी हैं, हम दोनों पास्टर हैं, हम दोनों मिलकर सेवा करते हैं, मेरे बच्चे मिलकर सेवा करते हैं, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। बहुत निराशा होती थी जब मेरे पापा मम्मी को कहते थे लोग ये तो पराया धन है, बताइए आपकी बेटी को ऐसे हो गया, कौन शादी करेगा आपकी बेटी से। मेरे पापा की आंख में आंसू, क्योंकि लड़कियां ऑलवेज पापा के नज़दीक होती हैं। मेरी मम्मी स्ट्रांग है, मेरे पापा स्ट्रांग नहीं थे, मेरे पापा रोने लगते थे कि मेरी बेटी को लोग ऐसे कह रहे हैं, बहुत दुखी होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने मुझे आंखें दी तो उसे कोई भी नामेट नहीं कर सका, और आज मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, सेवा करें, जो मुझे प्रभु ने दिया है वो परमेश्वर सबको दे। हालेलुया। और आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर जैसे मेरी जिंदगी में मिरेकल हुआ है, आप लोग की जिंदगी में भी हो जाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पीछे के लोग साहिल 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 कहां पे है? साहिल जल्दी से आए मेरे पास। साहिल साहिल बेटा सबको शांत करा दो क्योंकि प्रार्थना चल रही है। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी साक्षी के लिए। जब बबीता ने आपको बताया कि किस प्रकार से वो देख नहीं सकती थी, आंखों की ज्योति चली गई थी और प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु यीशु ने उनकी आंखों में ज्योति वापस ला दी और आज वो देख सकती है। हालेलुया। जो हमारे प्रिय भाई बहन या बच्चे बैठे हुए हैं जो देख नहीं सकते हैं, आपको बताएं प्रभु यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो अंधकार की जिंदगी से हम आजाद हो जाएंगे। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी बेगौर थी, सुनसान थी, तो गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। परमेश्वर को अंधकार पसंद नहीं था और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया और तब परमेश्वर ने दिन और रात बनाए। आज हम दिन में उजियाले में बैठ सकते हैं और अंधेरे में हमें चलने में भी परेशानी होती है। हमारा मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं चाह रहा, पर मैं केवल आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में ज्योति ला सकता है। परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को बदल सकता है। आज हम 15 अगस्त की खुशी को मना रहे हैं। आज के दिन हम इंडिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए। हालेलुया। किसी के अधीन नहीं रहे, आजाद हो गए। परमेश्वर भी मुझे और आपको अंधकार में कैद करना नहीं चाहता पर अंधकार से आजाद करना चाहता। बोले हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को ज्योतिर्मय बनाना मांगता है और जब ज्योतिर्मय बनाए तो हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। ज्योति में चलना बहुत अच्छा है। अंधकार में आप चलेंगे तो ठोकर लग जाएगी और गिर जाएंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर अंधकार का नहीं पर ज्योति का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों अपने जीवन में प्रभु को महिमा देना सीखो। बिजनेस करो तो प्रभु को महिमा दो, नौकरी करो तो प्रभु को महिमा दो, जिंदा रहो तो प्रभु को महिमा दो और दुनिया से चारों लोगों तभी प्रभु को महिमा दो। मैंने अपने जीवन में इस बात को सीखा है, हमारे उठते बैठते चलते फिरते अगर किसी की महिमा हो तो सिर्फ प्रभु की महिमा हो। कई बार इंसान अपनी महिमा चाहता है ना, सब लोग बैठे होते सूट उट पहन के, अगर वो गैस से बिल्कुल लास्ट में आएगा सब लोग तैयार है, आगे 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 आगे, है ना। हमारे वी आई पी हमारे गेस्ट आखिर में आए, सब खड़े हो जाते हैं आगे आगे। परमेश्वर उससे भी बड़ी महिमा अपने लिए चाहता है क्योंकि उसने चीफ गेस्ट को, मुझे और आपको, इस देश को, प्रधानमंत्री को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पूरे संसार को बनाया है। हालेलुया। और वो चाहता है हम उसको महिमा दें। मेरा छोटा बेटा जो फिल्म लाइन में असिस्टेंट डायरेक्टर है और अभी एक मूवी आई गदर, बड़ा गदर मचाया है, निकेटिव नहीं मिला, उसमें वो एक्टर भी है सनी के साथ में, सनी देओल वो उसमें डॉली बुंद्रा का बेटा बना है और सनी देओल उसको पैसे देता है, वो माँ को आके देता है। तो एक छोटा सा रोल उसने किया है लेकिन पूरी फिल्म को एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उसने काम किया है। पूरे पौने दो साल तक वो लगा रहा, नींद किधर है, आराम किधर है, चैन किधर है, और 30-30 घंटे का, 24-24 घंटे का शूट लगा। 1.5 साल पौने 2 साल के बाद ये मूवी बनी है जिसके टिकट आज नहीं मिल रहे। हालेलुया। उस बेटे को हमने सिखाया, बेटा जिंदगी में कितने भी कामयाब होना उसका नाम है लेस्ली। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो लेस्ली मैसी एक्टर भी आएगा और लेस्ली मैसी असिस्टेंट डायरेक्टर भी नाम आएगा लास्ट में। हमने उसको भी सिखाया, बेटा प्रभु की आराधना में प्रभु को कभी पीछे मत करना क्योंकि सफलता प्रभु से आएगी। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेस्ली ने उस बात को माना है और उसकी, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाए गदर की टीम के लोगों से पूछे
तो वो आपको बताएंगे वो बहुत अच्छे स्वभाव का है, वो बहुत अच्छा नम्र है, वो बातों को सुन लेता है, वो बातों को बर्दाश्त करता है, बहुत हार्ड वर्कर है। जब बबीता ने सुना, हम लोगों ने सुना, हमारा दिल खुशी से भर गया। एक अच्छी गवाही उसके जीवन से प्रभु को महिमा दे रही है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन से उठे बैठे चले फिरे प्रभु को महिमा दे। जब प्रभु की महिमा होगी तो लिखा हुआ वचन में कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करूंगा, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। अगर आप जीवन में आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वचन में लिखा है सफलता ना पूरब से आती है ना पश्चिम से, पर सफलता ज्योति के परमेश्वर की ओर से आती है जो अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। आज मैं और आप भी सफलता की ओर दौड़ रहे हैं, प्रभु की ओर देखे, प्रभु यीशु की ओर देखे, बोले प्रभु सफलता तेरी ओर से है, आदर सम्मान तेरी ओर से, शौहरत तेरी ओर से, नाम तेरी ओर से है। आपका नाम होगा तो कितना अच्छा होगा। एक होता है कि नाम बदनाम हो जाए, एक होता नाम हो जाए। और अगर आपका नाम हो जाए तो वचन में लिखा हुआ अच्छा नाम अनमोल इत्र से बेहतर है जो महकता रहता है। आपका नाम अनमोल इत्र से भी अधिक महकेगा, कब? जब परमेश्वर की ज्योति में चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। इस 15 अगस्त के मौके पे जब मैं और आप इंडिपेंडेंट हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, अंग्रेजों की गुलामी में नहीं है, हम भी क्रिश्चियन हैं पर हम अंग्रेज नहीं है। हालेलुया। हम भी आपकी तरह भारतवासी हैं। अंग्रेजों की गुलामी अब हमारे ऊपर नहीं है, अब वो अंधकार का राज्य आपके ऊपर नहीं है, आप आजाद हो गए हैं, आपको छुटकारा मिल गया है। फिर हम क्यों बंधन में बंधे रहे, हम फिर क्यों अंधकार में चले? बोलिए हम आज से, सब लोग बोलिए हम आज से ज्योति में चलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे, चलेंगे। सबकी आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए हाँ आज से परमेश्वर की ज्योति में चलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे, ताकि हमें सफलता मिले, अच्छा नाम मिले, इज्जत और शोहरत मिले और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। और जब बबीता आपके लिए प्रार्थना करने वाली है, आइए हम कहीं ना देखें, सिर्फ अपने मन में ये बोले प्रभु मुझे अंधकार से आजाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के आराधना स्तुति के द्वारा सबको परमेश्वर पिता आशीष मिलने पाए और प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। यीशु नासरी, आए हुए अतिथिगण परमेश्वर पिता और यहाँ पर जितने लोग रहते हैं स्टाफ को, परमेश्वर पिता मेरे भाई लोखंडे के परिवार को, परमेश्वर पिता मैं चाहती हूँ परमेश्वर पिता बच्चों को, बड़ों को, भाभियों को, सबको बहुत आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप महान हैं, इसलिए परमेश्वर पिता हम आपकी तारीफ कर सकते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपसे महान कोई है ही नहीं मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आशीष दे, फिर एक बार इस आश्रम को आशीष दे, यहाँ पर जो काम चल रहा है प्रभु उस काम पे आपकी आशीष हो और किसी भी चीज की घटी और कमी ना होने पाए। प्रभु जी आप हमारे ग्रेट प्रोवाइडर बन जाए, आप प्रोवाइड करें, यीशु के नाम से मांगते पिता जी इस प्रार्थना को सुन दे, ऐसे कबूल कर। प्रभु के लोग कहें आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु को महिमा देने के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी को कुछ कहना है अगर आपके पास गवाही है, अगर आपको आशीष मिली है तो आप यहाँ आकर कह सकते हैं। Welcome.